वेलकम टू प्रशासनिक गुरुकुल। आज हम ईपीएफओ की तैयारी में सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के लिए बात करेंगे, ताकि जो एपीएफसी ईओ एओ का एग्जाम है स्कोर अच्छा ला सकें। तो सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया क्या है, ये कॉन्सेप्ट, इसके अंदर क्या क्या आता है, कैसे सरकार जो है वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए क्या कार्य कर रही है, क्योंकि जो हमारा इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स होते हैं। इन सभी का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब सबसे पहले हमें सोशल सिक्योरिटी जो है उसका डेफिनेशन पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि तभी हम जो है एक बेस बना पाएंगे और उसके थ्रू हम आगे बढ़ पाएंगे। विलियम बेवरेज बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम फादर ऑफ वेलफेयर स्टेट भी बोलते हैं, और इन्होंने ही डेफिनेशन दी है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि ब्रिटिश हैं वैसे, लेकिन इंडिया में इनका जन्म हुआ था 1879 में। इन्होंने क्या डेफिनेशन दी है, तो सोशल सिक्योरिटी क्या है, ये एक मीन है, इट इज अ मीन ऑफ सिक्योरिंग एंड इनकम, इनकम को सिक्योर करना, ताकि जब कोई इंसान कमा ना रहा हो तो ये जो सोशल सिक्योरिटी है उस कमाई की जगह ले सके। जब भी इंटरप्ट होती है हमारी सैलरी किस वजह से, या तो अनएम्प्लॉयमेंट हो, या फिर सिकनेस हो, या एक्सीडेंट हो जाए, या फिर रिटायरमेंट हो, तो रिटायरमेंट के बाद पैसे कहाँ से आएंगे? अगर हमने अपने आप को सोशली सिक्योर किया हो जब हम कार्यरत हों, तब ये जो है स्कीम का हम फायदा उठा सकते हैं। तो ओल्ड एज में इसका हेल्प मिलता है, अगर किसी की डेथ हो जाती है फैमिली में तो फैमिली पेंशन के थ्रू हम सिक्योर कर पाते हैं उनको। तो सोसाइटी में सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा जरूरत है। पर्पस क्या है, प्रोवाइड एन इनकम अप टू अ मिनिमम एंड ऑल्सो मेडिकल ट्रीटमेंट टू ब्रिंग द इंटरप्शन ऑफ अर्निंग, अर्निंग का इंटरप्शन होता है, ताकि इन नीड्स को, इन जरूरतों का ध्यान रखा जा सके। कंटिंजेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कब कब इन सभी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की हमको जरूरत पड़ती है, देखिए, वांट, इलनेस, आइडलनेस, स्क्वेलर, इग्नोरेंस, ठीक है, इन पांच जगहों पर हमें बहुत ज्यादा इन स्कीम्स की जरूरत पड़ जाती है। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए है, उनको सोशली सिक्योर करने के लिए है, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड एज प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराया जाता है, किस तरीके से वो हम आगे जानेंगे। सोशल सिक्योरिटी ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, यहाँ क्या लिखा है, जिनकी मेहनत देश का आधार, उनकी पेंशन का सपना साकार। तो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स जो है वो बहुत बड़ा है हमारे इकोनॉमी में, राइट? कैसे, देखिए, जो भी रिक्शा पुलर्स होते हैं हमारे, स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, मोची होता है, घर में जो काम करने वाले लोग होते हैं, दुकानदार होते हैं, छोटी छोटी शॉप्स होती हैं, ये जो मीट शॉप्स होती हैं, ये सभी अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स हैं। तो इन सभी को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आर्टिकल 43 में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हम ये सभी चीज़ें कवर करने वाले हैं करंट अफेयर वीडियोज़ के थ्रू। तो आर्टिकल 43 में स्टेट के ऊपर ये जिम्मेदारी डाली गई है, ठीक है, कि आप सोशली सिक्योर करें सभी को। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सबसे पहले तो उसे अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर होना है, दूसरा है एज क्या होगी, 18 से 40 होगी, मंथली इनकम उसकी 15,000 या उससे कम होना चाहिए, ठीक है, तभी वो कहलाएगा। शुड नॉट बी एंगेज्ड इन ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर उसे बाकी चीज़ों का फायदा मिल रहा है, ही इज ऑलरेडी अ सोशली सिक्योर्ड पर्सन। और इन सभी स्कीम्स जो है, ईपीएफ, एनपीएस, ईएसआईसी, इन सभी में एनरोलमेंट नहीं होना चाहिए, इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए, तो तभी वो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स की कैटेगरी में आएगा। क्या चीज़ें चाहिए, तो उसके पास दो चीज़ें होनी चाहिए, एक आधार कार्ड होना चाहिए, दूसरा सेविंग्स बैंक अकाउंट होना चाहिए, जनधन अकाउंट होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है कि फीचर्स क्या हैं इस स्कीम के, ठीक है, तो ये एक वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं, दो स्टेटमेंट दे देंगे कि क्या जो बेनिफिशियरी है उसके पास जनधन अकाउंट होना चाहिए, और क्या ये वॉलंटरी और कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है, तो पता होगा तभी पता चलेगा ना। ये जो वर्ड है दिखने को सिंपल लग रहे हैं, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूटरी। कॉन्ट्रीब्यूट कौन करेगा, सरकार भी करेगी। अंडर दिस सब्सक्राइबर जो है उसको एक अश्योर्ड पेंशन मिलेगा, मिनिमम अश्योर्ड पेंशन, ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है, मिनिमम अश्योर्ड पेंशन आ रही है ऑफ 3,000 पर मंथ, ठीक है,
और कब आएगी ये, जब वो 60 साल का हो जाएगा, ठीक है, 60 के बाद, उससे पहले उसे जो है इसमें पार्टिसिपेट करना होगा। अब अगर सब्सक्राइबर मर जाता है, उसकी डेथ हो जाती है, तो उसका जो स्पाउस है उसको बेनिफिट मिलेगा, और यहाँ पे उसे 50% जो है पेंशन मिलेगी एज फैमिली पेंशन, ऐसा होता है राइट। फैमिली पेंशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्पाउस को ही एप्लीकेबल है। कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, बाय द अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर सब्सक्राइबर, कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेगा वो, तो यहाँ पे ऑटो डेबिट फैसिलिटी होगी। आप एक बार इस पेंशन में एनरोल हो जाते हैं तो वहाँ पे ऑटो डेबिट होना शुरू हो जाता है हर महीने हर साल, जैसे भी तय किया गया है, क्योंकि 18 से 40 के बीच में आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट रेट्स होंगे। जैसे किसी को 100 रुपये कंट्रीब्यूट करना पड़ सकता है हर महीने, किसी को 200, अगर जितना आप लेट ज्वाइन करेंगे ना उतना आपके अमाउंट जो है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है। अब देखिए, जनधन अकाउंट है उससे डेबिट होगा, और जब आप ज्वाइन करेंगे टिल द एज ऑफ 60 इयर्स, और इसके बाद से तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है ये भी कंट्रीब्यूट करेगी, कितना, इक्वल कंट्रीब्यूशन, इक्वल मैचिंग कंट्रीब्यूशन इन हिज पेंशन अकाउंट। इसीलिए बोला गया है वॉलेंटरी है, कॉन्ट्रीब्यूटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगी। अब फंड मैनेजमेंट कैसे होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, इसका क्या मतलब हुआ कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इसे फंड करेगी, राइट, एडमिनिस्टर्ड बाय तो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें एडमिनिस्ट्रेशन करेगी। इम्प्लीमेंट कौन करेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, LIC जो है वो इम्प्लीमेंट करेगी, एंड CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड। LIC जो है वो पेंशन फंड मैनेजर भी होगा, और ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर पेंशन पे आउट। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है वर्कर्स को। अब देखिए, अगर वो 10 साल से पहले या उससे कम टाइम में एग्जिट लेते हैं तो क्या होगा, जितना भी उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, बेनिफिशियरी का कंट्रीब्यूशन अमाउंट वो उसे रिटर्न किया जाएगा विद सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट रेट, उस पर जो भी इंटरेस्ट बन रहा है उसके साथ। अगर वो 10 साल के बाद, ठीक है, या फिर 10 साल में खत्म करता है स्कीम को, एग्जिट लेना चाहता है, और बिफोर 60 इयर्स ऑफ एज, तो क्या होगा, इसका जो शेयर है विद अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट वो उसे दिया जाएगा, और जितना भी उन्होंने फंड के थ्रू अर्न किया है, फिर यहाँ पे शेयर ऑफ कंट्रीब्यूशन अलोंग विद अक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, तो इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा उसके थ्रू उसे दे दिया जाएगा। अब यहाँ पे अगर बेनिफिशियरी जो है उसने रेगुलर कंट्रीब्यूशन किए हैं और वो उसकी डेथ हो जाती है इन एनी केस, तो उसका जो स्पाउस है वो एंटाइटलमेंट हो जाएगा उसका कि वो कंटिन्यू करे, वो कंटिन्यू कर सकते हैं ताकि जो फैमिली पेंशन है वो उनको मिल सके, या फिर वो एग्जिट ले सकते हैं बाय रिसीविंग द बेनिफिशियरीज कंट्रीब्यूशन अलोंग विद एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट, या फिर सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, जो भी ज्यादा है। अब अगर बेनिफिशियरी जो है वो परमानेंटली डिसेबल हो जाते हैं, देखिए 10 साल से कम का वक्त दिया हुआ है, 10 साल से ज्यादा या फिर 60 साल तक की उम्र तक अगर उसने कॉन्ट्रीब्यूट किया है, और अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है, अब फोर्थ कंडीशन क्या है, परमानेंटली डिसेबल हो जाता है, तब क्या होगा 60 साल से पहले, तो यहाँ पे इसका स्पाउस जो है वो एंटाइटल्ड हो जाएगा टू कंटिन्यू द स्कीम। पेमेंट कैसी होगी, तो जो पेमेंट चल रही है वही उसको पेमेंट करनी होगी, या फिर अगर वो एग्जिट करना चाहता है स्कीम को तो उसको क्या मिलेगा, बेनिफिशियरी ने जितना भी कंट्रीब्यूट किया है विद इंटरेस्ट मिलेगा, या फिर सेविंग्स बैंक इंटरेस्ट, जो भी ज्यादा है इनमें से। अब अगर डेथ हो जाती है सब्सक्राइबर की और साथ ही साथ उसकी बीवी की, रोड एक्सीडेंट में चले गए, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटायर कॉर्पस जो है वो क्रेडिट हो जाएगा बैक टू द फंड। इससे क्या पता चलता है कि ये जो स्कीम सिर्फ सब्सक्राइबर और उसके स्पाउस को ही मिल सकता है, बच्चों को नहीं, तो कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट आए कि क्या फैमिली में सभी को मिल सकता है, तो नहीं, ठीक है, ये क्लियर कट दे रखा है बार बार। डिफॉल्ट, अगर कोई डिफॉल्ट करता है, कोई पे नहीं कर पा रहा, तो क्या होगा, तो उसको रेगुलराइज करने का मौका दिया जाएगा कि वो अपना एंटायर आउटस्टैंडिंग ड्यू जो है वो दे, साथ ही साथ जो भी पेनल्टी चार्जेस हैं अगर गवर्नमेंट डिसाइड करती है तो वो देकर उसे कंटिन्यूएशन हो जाएगा उसका, ठीक है। अब देखिए, पेंशन पे आउट हमने बात की थी, LIC जो है वो पेंशन पे आउट देखेगी,
तो यहाँ पे एक बार अगर बेनिफिशियरी ने ज्वाइन कर लिया है स्कीम को एट द एंट्री एज ऑफ 18 to 40, जैसे आप और मैं कर लेते हैं, तो बेनिफिशियरी को कॉन्ट्रीब्यूट करना होगा टिल 60 ईयर्स ऑफ एज, ठीक है। अब 60 साल के बाद सब्सक्राइबर जो है उसको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू रिसीव किया जाएगा अमाउंट, मंथली पेंशन मिलेगी 3000 विद बेनिफिट ऑफ फैमिली पेंशन, ठीक है। तो ये था हमारा टॉपिक और हमने पूरा जो स्कीम है अच्छे से कवर किया है। अब आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में, टिल देन वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट एंड टेक केयर।